नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें मैं आपको यूपी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिलों की संख्या कितनी है? सभी को पता होगी 75। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं मंडलों की संख्या कितनी है। तो मंडलों की संख्या आपकी हो जाएगी 18। यदि यह प्रश्न पूछ लेता है कि मंडलों की संख्या कितनी है तो आप कह देंगे 18, और अगर यह पूछता है कि 18वां मंडल कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा अलीगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा नगरों की संख्या कितनी है? तो नगरों की संख्या हो जाएगी 915। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो ये आपके हो जाएंगे 59,073। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तहसीलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 342। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा मेरे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और अभी एक बार रिवाइज भी कर लेना, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 423। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 193। देखिए ये चैनल आप लोगों का है, आप लोगों को इसे शेयर करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आना। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो ये आपके हो जाएंगे 16। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुल ग्राम कितने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 1,06,774। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ये आपके हो जाएंगे 97,814। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो कैसा होगा आपका? एक वृत्त में दो मछली बनी होगी तथा एक बीच में तीर धनुष होगा। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब मिली थी, तो ये आपका हो जाएगा 1938 में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अशोक का वृक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पलाश, और इसे टेसू भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में टेसू लिख के आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी हिंदी, और अगर पूछ लेता है कि इस भाषा को स्वीकृति कब मिली थी तो ये आपका हो जाएगा सन 1947 में। कभी कभी पूछता है कि दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी उर्दू, और उसे स्वीकृति मिली थी 1989 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 12। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा सारस। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो ये अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉकी। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।